बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं असद अली व्लॉग्स। उम्मीद करता हूं मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली बाखैरियत होगी। अल्लाह ताला के फजल व करम से जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूं और मज़े में हूं। तो आज की वीडियो कुछ इस तरह से है कि हम छत का कुछ काम कर रहे हैं। आपको पता है कि सर्दियों का मौसम का आगाज़ है। बिल्कुल इस मौसम में जिनकी कच्ची छतें होती हैं वो लिपाई वगैरह कर देते हैं, जिनके लेंटर्स वगैरह और हमारी है टाइल्स, वो क्या कहते हैं टी आर एन और टाइल्स डले हुए हैं छत के ऊपर। तो इसमें कुछ थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है एक दो साल के बाद ग्रोटिंग में। मैं भी आज फ्री था तो जब छत के ऊपर चढ़ाऊँ तो मैंने कहा कि ये जो गैप्स नज़र आ रहे हैं आपको दिखाते हैं। ये जो गैप्स आपको नज़र आ रहे हैं ना जी, ये आप सारी छत देखें तो इसमें जब मुसलसल बारिशें होती हैं मौसम सरमा में तो उसमें फिर ये होता है कि छत टपकने शुरू हो जाती है। तो ये इन छोटे छोटे कामों के लिए ज़रूरी नहीं होता कि बंदा किसी न किसी मिस्त्री को हायर करे, ये छोटे छोटे काम तो बंदा खुद भी कर सकता है। अब आपको दिखाते हैं कि सीमेंट, ये जो बर्तन पड़ा है, थोड़ा सा आगे आ जाए और आगे आ जाए, ये जो आप सामने बर्तन देख रहे हैं जी, ये दो रेत के डाले हैं और एक आधा सीमेंट का डाल दिया, आधा अभी उसी में पड़ा है। इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं, फिर इसमें पानी डाल के इन गैप्स जो ये आपको नज़र आ रहे हैं इन गैप्स में डाल के ऊपर से इसकी लिपाई कर देंगे। वाइपर से भी हो सकती है आसानी के साथ, वाइपर भी मेरे ख्याल में मैं ऊपर ले के आया हुआ हूँ, उसी के साथ इसकी ग्रोटिंग मुकम्मल हो जाएगी। छोटे छोटे काम जो होते हैं घर के ये खुद मैनेज कर लेने चाहिए जब बंदे के पास टाइम हो। इनके लिए ज़रूरी नहीं होता कि बंदा किसी न किसी मिस्त्री को हायर करे। तो जी मैं अभी ये मिसाल तैयार कर लेता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये सीमेंट डाल दिया है, इसकी कर लेते हैं मिक्सिंग। इसकी आप करते हैं जी मिक्सिंग। तो व्यूअर्स, मिक्सिंग हमने कर दी है सीमेंट और रेत की। अब इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पानी डाल देते हैं। अब इसकी सेटिंग कर लेते हैं और उसके बाद इसको छत पे लगा देते हैं। इतना सा काम है व्यूअर्स, ये काम तो इंसान को खुद कर लेना चाहिए और करना भी चाहिए। ज़रूरत होती है जब बंदा सर्दियों में सोया हुआ ऊपर से छत टपक रही हो तो फिर आपको पता है कि फिर उस वक्त क्या मसाइल बनते हैं, वो अब आपके सामने। तो व्यूअर्स जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारा मिसाला है वो तैयार है। इसको अब हमने, ये आप देख सकते हैं, करंडी की मदद से ऐसे डाल देना है। जो जो गैप्स हैं उनके नज़दीक नज़दीक, फिर वाइपर की मदद से थोड़ा सा पानी साथ रखना है। वाइपर की मदद से ये सारा माशाल्लाह जो है इसकी सेटिंग हो जाएगी। अभी आपको दिखाते हैं आपके बिल्कुल सामने। इतना सा काम है, ये काम बंदा खुद बड़े आसान तरीके से कर सकता है। हाथ में पकड़ना है पानी वाला लोटा, साथ फिर वाइपर की मदद से थोड़ा सा पानी डाला और इसे ऐसे तरीके से ऐसे करके मैनेज कर दिया। जहाँ जहाँ पे सुराख होंगे वहाँ वहाँ से आपको नज़र आएगा कि ये सेटिंग बिल्कुल तरतीब से होती जा रही है। ये आप देख सकते हैं, मकसद होता है ये जो सुराख हैं ये बंद हो जाए ताकि बारिश के दौरान इनमें पानी ना जाए। ये आप देख सकते हैं कितना सा मिसाला था और कहां तक हमने इसे
मैनेज किया है। ये होती है जी छत की ग्रोटिंग। उम्मीद करता हूँ मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको हंसता और आबाद रखे, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।